हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 154 से लेकर 162 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे सेक्शंस हम एविडेंस एक्ट के कवर कर चुके हैं, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोमैंडम के नाम से, वहां जाके आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ये जो सेक्शंस हैं ये बिलोंग करते हैं टू द टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ये इस टॉपिक का थर्ड वीडियो है और इसके पहले की दो वीडियो में हमने सेक्शन 135 से लेकर 153 तक कवर किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू कि आप इसको जाके देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो सेक्शन 154 है वो बात करता है हॉस्टाइल विटनेस की। हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? मान लीजिए एक पार्टी है और बी एक विटनेस है। ए ने बी को बुलाया कि आप आओ हमारी तरफ से गवाही दो। अब क्या होगा, जनरली बी को वही गवाही देनी चाहिए जो ए उसको कहता है देने के लिए, या फिर जो ए की स्टोरी से मैच करता है। लेकिन अगर किसी केस में बी ऐसी कोई गवाही दे देता है या ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देता है जो ए की स्टोरी से इनकंसिस्टेंट है या फिर ए के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो ऐसे विटनेस को क्या बोला जाएगा? ऐसे विटनेस को बोला जाएगा हॉस्टाइल विटनेस। और ये जो कंडीशन अब पैदा हुई है ये नेसेसरी कर देती है कि अब ये वाली जो पार्टी है, ए जो है, जो जिस पार्टी ने बी को बुलाया है, वही अब इसको क्रॉस एग्जामिन करे, ताकि ये क्या कह रहा है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये कोर्ट को पता चल सके। जनरली क्या होता है, क्रॉस एग्जामिन एडवर्स पार्टी करती है, लेकिन हॉस्टाइल विटनेस के केस में क्रॉस एग्जामिन वो भी पार्टी कर सकती है जिस पार्टी ने उसको बुलाया है। लेकिन ये सब हो सकता है ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ विटनेस, जहां पे एक विटनेस जिसको जो एक स्टेटमेंट देता है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी उसको जिसने उसको बुलाया है, उसको बोलेंगे हम हॉस्टाइल विटनेस। ओके, ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जिस पार्टी ने उसको बुलाया है वही पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी। और क्यों करेगी? जिससे उसका स्टैंड डिमोलिश हो सके। और यह सिर्फ हो सकता है ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एक केस था सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्टल विटनेस को डिस्क्राइब करते हुए ये बोला था कि ही इज द वन हु इज नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग द ट्रूथ एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी कॉलिंग हिम। जिस पार्टी ने उसे बुलाया है उसके इंस्टेंस पे वो सच बोलने को तैयार नहीं है, उसकी डिजायर नहीं है सच बोलने की उस पार्टी के इंस्टेंस पे, ऐसे आदमी को बोला जाएगा हॉस्टाइल विटनेस। ओके, अब ऐसे जो हॉस्टाइल विटनेसेस होते हैं इनके एविडेंस की क्या वैल्यू होती है? तो एक केस था गुरु सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि ये बहुत ही मिसकंसीव्ड नोशन है कि जस्ट बिकॉज कोई विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके पूरे एविडेंस को उठा के फेंक दिया जाएगा। क्रिमिनल ट्रायल में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस एग्जामिन किया जाता है उसको बाय द पार्टी हु इज कॉलिंग फॉर द एविडेंस, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसके पूरे एविडेंस को उठा के हम फेंक देंगे। अप्रोप्रिएट केसेस में कोर्ट रिलाई कर सकती है ऑन दैट पार्ट ऑफ द टेस्टिमनी ऑफ सच विटनेस जो कि कोर्ट को यह लगती है कि वो क्रेडिट वर्दी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे कि वो हॉस्टाइल विटनेस के एविडेंस पे रिलाई करती है नहीं करती है। अगर उसको लगता है कि विटनेस का कोई भी पार्ट, कोई भी जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसका कोई भी पार्ट क्रेडिट वर्दी है तो उसके ऊपर वो रिलाई कर सकता है। जस्ट बिकॉज वो विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर हो चुका है उसके पूरे एविडेंस को उठा के फेंक नहीं दिया जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 155 की। सेक्शन 155 बात करता है इम्पीचिंग ऑफ द क्रेडिट ऑफ विटनेस। विटनेस के जो क्रेडिट है इसको खराब करने को, इसको खत्म करने को क्या के लिए कौन कौन से मेथड्स दिए हुए हैं उसकी बात करता है सेक्शन 155। तो देखिए, इट लेड्स डाउन द मेथड्स इन विच अ क्रेडिट ऑफ विटनेस कैन बी इम्पीच्ड। ठीक है, तो सबसे पहला आप ये दिखा दो कि वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, वो क्रेडिट के लायक ही नहीं है, मतलब उसका जो सम्मान है या फिर जो भी उसकी वर्दीनेस है, क्रेडिट वर्दीनेस है, वो नहीं है। तो आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि आप किसी आदमी को ले आओ, ठीक है, और विटनेस ले आओ जो कि अपनी पर्सनल नॉलेज से ये साबित कर दे कि ये आदमी जो है कि भरोसे के लायक नहीं है। ठीक है, कि विटनेस इज नॉट अनवर्दी ऑफ, इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। दूसरा, आप ये शो कर दो कि विटनेस जो है उसको घूस दी हुई है, वो घूस लेके यहाँ पे अपना विटनेस, वो अपना गवाही देने आया है। ये कैसे दिखाया जा सकता है कि आप ये दिखा दो कि उसने ब्राइब लिया हुआ है, ठीक है, या फिर उसने उसके ऊपर कोई इंड्यूसमेंट किया गया है तो वो एविडेंस देने आ गया है। ऐसे विटनेस को क्या बोला जाता है? पॉकेट विटनेस। ओके, उसके बाद आप ये दिखा सकते हो कि उसका कोई पुराना स्टेटमेंट उसके जो नए स्टेटमेंट है उससे इनकंसिस्टेंट है, लेकिन आप ये
उसी हद तक दिखा सकते हो, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो उसका जो स्टेटमेंट, जहां तक 153 सेक्शन जो है वो आपको अलाउ करता है, ठीक है। इट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रीवियस कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस कैन be used to discredit only his testimony. उसका जो previous contradictory statement होगा वो केवल उसकी testimony को discredit करने के लिए use किया जा सकता है, ना कि किसी और की testimony को discredit करने के लिए use किया जा सकता है. Further, it is necessary that before the evidence can be led of inconsistent statements, the witness themselves should be called. उन witness को बुलाना होगा आपको, और वो statement जो कि आप दिखाना चाहते हैं कि वो inconsistent है, पहले आप उनको देंगे, वो पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद उनके पास पूरा पूरा मौका होगा कि वो अपनी सफाई दे सके कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट पहले क्यों दिया था और किन हालातों में दिया था. ओके okay? इसके बाद इस सेक्शन में जो चौथा क्लास क्लॉज है उसको हटा दिया गया था बाय 2002 अमेंडमेंट एक्ट. ओके, ये इट हैज बीन डिलीटेड. अब अगली हम बात करते हैं सेक्शन 156 की. तो सेक्शन 156 ये कहता है कि अगर आपके किसी विटनेस को, अगर आपको कोई कोरोबरेट करना है, ठीक है, तो आप उससे जो मेन इवेंट हुआ था उससे रिलेटेड तो फैक्ट्स पूछ ही सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें आप पूछ सकते हो, लेकिन इस मेन इवेंट से एंटीसीडेंट, आसपास कुछ और भी इवेंट्स हो रहे होंगे, तो आप उन इवेंट्स के बारे में भी पूछ सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो रॉबरी हुई है तो आप उस रॉबरी से रिलेटेड तो सारे सवाल पूछ सकते हो, और उसके साथ आप ये भी उससे पूछ सकते हो कि बताओ जब जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ था, जब आ रहे थे वहां से तो क्या हुआ था, और इन एविडेंसेस से आप क्या कर सकते हो, इसको कोरोबरेट कर सकते हो. तो ठीक है, क्या है कि व्हेन अ विटनेस इज रिक्वायर्ड टू बी कोरोबरेटेड ही मे बी क्वेश्चन्ड अपार्ट फ्रॉम द मेन इवेंट. मेन इवेंट से तो आप सवाल पूछ ही सकते हो, लेकिन कोई अदर सर्कमस्टांसेस, उसने कोई ऑब्जर्व अगर किया है आसपास, ठीक है, एट और नियर टू द टाइम और प्लेस वेयर द मेन इवेंट हैपेंड, तो आप उससे रिलेटेड भी उससे सवाल पूछ सकते हो. द कोर्ट विल परमिट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सर्टेन सर्कमस्टांसेस अप्रूव्ड वुड कोरोबरेट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस विद रेफरेंस टू रिलेवेंट फैक्ट. अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऐसी टेस्टिमनी से हम उसकी जो ओरिजिनल टेस्टिमनी है उसको कोरोबरेट कर सकते हैं, तो कोर्ट इस तरीके के क्वेश्चन को अलाउ कर सकता है. ये मैंने आपको रॉबरी वाला एग्जांपल अभी बताया कि अगर रॉबरी में उसने पार्ट लिया है और वो एज अ विटनेस बाद में आ रहा है आपके पास कि हम विटनेस बन जाते हैं, तो क्या होगा, आप उससे ये पूछ सकते हो कि बताओ जब जा रहे थे तब क्या हुआ था, जब आ रहे थे तब क्या हुआ था, आसपास कोई इवेंट ऐसा हुआ अगर था तो उसकी क्या तुम्हें नॉलेज है या नहीं है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कोरोबरेट कर सकते हैं. उसके बाद ये जो आपने ये अलग से जो आपने इससे सवाल पूछे हैं, ये आप इंडिपेंडेंट एविडेंसेस से भी इस बात को कोरोबरेट कर सकते हो. ओके, नाउ इसके बाद है सेक्शन 157. सेक्शन 157 ये कहता है कि अगर किसी केस में विटनेस का जो स्टेटमेंट है उसको कोरोबरेट करने की रिक्वायरमेंट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसको कोरोबरेट किया जाना चाहिए, तो उसी पॉइंट पे उसी विटनेस का कोई अगर प्रीवियस स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट से इस वाले स्टेटमेंट को सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट को कोरोबरेट किया जा सकता है. लेकिन यहां पे एक शर्त है कि ये जो प्रीवियस स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट उसी समय होना चाहिए या उसी समय के आसपास हुआ होना चाहिए जब मेन इवेंट हुआ था. मान लो कोई मर्डर हुआ था, उस मर्डर के कुछ ही देर बाद किसी विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी, वो मान लो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने ही क्यों ना दी हुई हो या फिर किसी दोस्त के सामने उसने दी हो, और बाद में कोर्ट में उसने कोई स्टेटमेंट दी, अब जो है इस स्टेटमेंट से उसकी बाद की जो स्टेटमेंट है उसको कोरोबरेट किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट लगती है. लेकिन क्या है, कंडीशन यही पे होनी चाहिए कि दैट शुड हैव बीन मेड आइदर एट और अबाउट द टाइम ऑफ द अकरेंस और बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. एक केस था राम प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्शन 157 परमिट्स प्रूफ ऑफ एनी फॉर्मर स्टेटमेंट बाय अ विटनेस रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट बिफोर एनी लीगल अथॉरिटी कंपिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट बट इट्स यूज इज लिमिटेड टू कोरोबोरेटिंग द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस. मतलब आपने अगर किसी लीगल अथॉरिटी जो कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपिटेंट है, ऐसी कोई लीगल अथॉरिटी है, उसके सामने भी अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को भी एडमिट किया जा सकता है अंडर सेक्शन 157, लेकिन उसका काम केवल इतना ही होगा कि वो उसकी सब्सिक्वेंट जो टेस्टिमनी है उसको क्या कर सके, उसको कोरोबरेट कर सके. ओके, अब बात होती है, देखिए ये जो सेक्शन है ये एक तरीके से क्या करता है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ एक्सक्लूडिंग हियर से एविडेंस. ये इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है कि देखिए अगर मान लो कोई इवेंट हुआ है और उसके आसपास आपने कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है,
तो अमूमन ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये मान लिया जा सकता है कि आपने जो ये स्टेटमेंट दी होगी ये 90% ऑफ द टाइम सच होगी, ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि आपने चूंकि तुरंत तुरंत स्टेटमेंट ये दी है, जब इवेंट आपके दिमाग में फ्रेश है, तो फ्रेश इवेंट की जब आप स्टेटमेंट कोई देते हो तो अमूमन क्या होता है, वो सच्चाई ही होती है। ठीक है, तो ये हम प्रजम्पशन करके चल सकते हैं। बिकॉज माइंड ऑफ द विटनेस इज स्टिल सो कनेक्टेड विद द इवेंट एज टू मेक इट प्रोबेबल दैट हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ देम वुड बी करेक्ट। एक केस था जुमन खान वर्सेस एम्परर, यहाँ पे एक मर्डर हुआ। ठीक है, मर्डर कैसे हुआ था? गनशॉट से। अब गनशॉट की आवाज सुन के विटनेस जो है मर्डर स्पॉट पे आया, वहां पे ए था और वहां पे बी था। ए और बी ने उस विटनेस को ये बताया कि एफ ने मर्डर किया है। अब यही बात जो है बाद में जाके इन दोनों ने कोर्ट में रिपीट की। उस समय जो है फिर उस विटनेस को बुलाया गया जो वहां पे पहुंचा था, और उससे कोरोबरेट कराया गया कि क्या ए और बी ने ये बात बोली। तो उसने भी यही बोला कि हाँ, जब हम वहां पहुंचे थे तो ए और बी ने हमसे ये कहा था कि एफ ने मर्डर किया है, और चूंकि यही बात वो कोर्ट में भी कह रहे थे तो क्या हो गई, वो बात कोरोबरेट हो गई वहां पे। ओके, इसके बाद बात होती है सेक्शन 158 की। सेक्शन 158 ये कहता है कि ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट जो कि रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 32 और 33, मतलब जो मिल नहीं रहा है, ठीक है, और उसको प्रूव कर लिया गया है, तो कोई अगर और मैटर है जो उस स्टेटमेंट को या तो कंफर्म करता है या कॉन्ट्रडिक्ट करता है, तो उसको भी जो है एडमिट कर लिया जाएगा। ठीक है, एविडेंस कैन ऑल्सो बी गिवन ऑफ एनी फैक्ट, किसी और फैक्ट का भी एविडेंस दिया जा सकता है जो कि कंफर्म करेगा या फिर इम्पीच करता है किसी पर्सन के क्रेडिट को। ओके, हु हैज मेड द स्टेटमेंट टू द एक्सटेंट दैट इफ अ पर्सन हैड अपीयर्ड एज अ विटनेस एंड हैड डिनाइड अपॉन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द मैटर सजेस्टेड। ठीक है, तो ये बात हुई सेक्शन 158 की। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 159 की। सेक्शन 159 बात करता है रिफ्रेशिंग मेमोरी। ठीक है, विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश करने की बात करता है। तो ये कैसे कैसे किया जा सकता है? सबसे पहली बात, तो अगर उसने कोई राइटिंग दी हुई है एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट या विद इन सो शॉर्ट आफ्टर अ टाइम आफ्टर हैपनिंग, कि मतलब वो जो इवेंट है वो अभी भी उसके माइंड में फ्रेश हो, तो अगर ऐसे टाइम पे उसने कोई राइटिंग की थी तो उस राइटिंग को पढ़ के उसकी मेमोरी रिफ्रेश की जा सकती है। या फिर अगर किसी और पर्सन ने ऐसा कुछ राइटिंग लिखी थी और उसको विटनेस ने पढ़ा था, तो ऐसे उसको पढ़ के जो है रिफ्रेश किया जा सकता है। या फिर कोई प्रोफेशनल बुक है जहाँ पे विटनेस एक्सपर्ट है, तो उसको पढ़ के भी क्या किया जा सकता है, रिफ्रेश किया जा सकता है। ठीक है, एक केस था स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस यरप्पा रेड्डी। इसमें इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर था, ठीक है, ही वाज आस्क्ड ड्यूरिंग हिज एग्जामिनेशन इन चीफ अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन द फेटफुल डे, उस दिन क्या हुआ था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड इतना चेक करना चाह रहा था क्योंकि उसको सही सही याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था उस दिन, मतलब रिफ्रेश नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मांग है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, ये गलत नहीं है। ठीक है, और ये चूंकि कंटेम्परेनियस एंट्रीज हैं, ठीक है, और तो इनको जो है यूज किया जा सकता है फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरी, वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उनको यूज कर सकता है। इसके बाद है सेक्शन 160। ठीक है, तो सेक्शन 160 ये कहता है कि मान लो ए है, ए पुलिस ऑफिसर है जिसने इन्वेस्टिगेट किया था। अब इस पुलिस ऑफिसर, चूंकि इतने सारे केसेस इसके सामने आते हैं तो सारे केसेस के सारे इवेंट्स इसे याद नहीं रहते हैं, इसने लेकिन सबका रिकॉर्ड बना रखा है। लेकिन क्या हुआ कि एक कोई ऐसा इवेंट था जिसका रिकॉर्ड पढ़ के भी इसको याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे। तो अब ये इस बात की टेस्टिमनी दे सकता है कि देखो, मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ था, लेकिन मैं इस बात को टेस्टिफाई कर सकता हूं कि इस जो रिकॉर्ड में लिखा है ये 100% मैंने सच ही लिखा होगा। ठीक है, देखो, वेयर अ विटनेस सीज अ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने से वो डॉक्यूमेंट देखता है लेकिन उसको फिर भी याद नहीं आता है कि उसने उसको एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो वहां पे सेक्शन 160 जो है उसको लिबर्टी देता है कि वो इस फैक्ट को टेस्टिफाई करे कि जो भी उसने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, हालांकि उसको उसका स्पेसिफिक रिकलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो इस बात से श्योर है कि जो उसने उस डॉक्यूमेंट में लिखा है वो एकदम सही लिखा है। ठीक है, देखिए, इट हैज बीन सीन दैट द प्रीवियस सेक्शन डील्स विद द केसेस वेयर रेफरेंस टू द राइटिंग रिवाइव्स इन द माइंड ऑफ द विटनेस। ठीक है, जैसे ही उसको वो बात दिखा दी जाती है, जैसे कि मान लो अगर उसने लिख दिया, कोई लिखा हुआ कोई फैक्ट है, उसने वो पढ़ लिया तो उसे याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि कभी कभी उसको ऐसे भी नहीं याद आ सकता है, तो उस केस में क्या होगा, 160 काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 161। सेक्शन 161 जो है वो एक एडवर्स पार्टी को एक राइट देता है
of production and inspection and of cross examination upon all that is made use for purpose of refreshing the memory of the witness. जो भी चीजों को use किया गया है for refreshing the memory of witness, जो भी writing use की गई है, जो भी statement use किया गया है, उसके basis पे वो क्या कर सकता है, adverse party उसके ऊपर inspect कर सकती है, उसको production करा सकती है, या फिर उसके basis पे cross examine भी कर सकती है. Okay? इसके बाद हमारा सेक्शन 162. सेक्शन 162 वो बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन आंसर्स टू समन. कहने का ये मतलब है अगर किसी से बोला गया है कि कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ तो उस विटनेस को वो डॉक्यूमेंट लाना ही पड़ेगा भले चाहे उसके पास कोई ऑब्जेक्शन हो. वो ऑब्जेक्शन सही है या नहीं सही है इसको डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी. ठीक है, देखिए, इट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी अपॉन द विटनेस टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इवन इफ द विटनेस हैज ऑब्जेक्शन टू प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट. भले जब विटनेस के पास कोई ऑब्जेक्शन हो, ऑब्जेक्शन डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी. लेकिन ये सेक्शन प्रिक्लूड करता है कोर्ट को ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने से, कि इसमें इंस्पेक्ट करने से प्रिक्लूड करता है अगर वो किसी मैटर ऑफ स्टेट से रिलेट करता है. किसी अगर स्टेट के मैटर से रिलेट करता है तो उसको वो इंस्पेक्ट कर नहीं सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता. ठीक है, अब देखिए, मान लो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ट्रांसलेट करना जरूरी है, तो कोर्ट जो है वो उस ट्रांसलेटर को ये डायरेक्ट करेगा कि जो भी कंटेंट है उसके, उस डॉक्यूमेंट के, उसको सीक्रेट रखे जाए अनलेस द डॉक्यूमेंट आर गिवन टू बी इन एविडेंस, जब तक उसे एविडेंस में नहीं दिया जाता. और इस बात की अगर डिसोबे करता है, इस बात को नहीं मानता है अगर ट्रांसलेटर, तो उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है अंडर सेक्शन 166 ऑफ इंडियन पीनल कोड. ठीक है, जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट डिसोबोइंग द लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू अनदर पर्सन. ठीक है, तो ये बात हुई सेक्शन 162 की. इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है. अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो इसके आगे के सेक्शन हम देखेंगे. लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी. यहाँ पे आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और साथ में आपको रीसेंट जो केसेस होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा. तो अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.